गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयितान संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मनदीप पासवान जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है। उन्होंने अपना गोत्र लिखा है ग्रेवा और वर्ण शूद्र। वे पूछ रहे हैं कि प्रणाम ब्राह्मण देवता, मेरा प्रश्न यह है कि मैं शूद्र हूँ और सूर्य को अर्घ दे सकता हूँ क्या? यदि हाँ तो मुझे किस मंत्र से अर्घ देना चाहिए तथा इसकी विधि क्या है? देखिए, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है कि भगवान सूर्य को अर्घ कैसे दें और उसकी विधि क्या है। भगवान सूर्य को अर्घ समस्त मनुष्यों को देना चाहिए, चाहे वे स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी हों, अंत्यजा आदि, सदवा, विधवा, बालिका, किसी भी रूप में स्त्री पुरुष, समस्त मनुष्य जाति को भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है और अर्घ्य प्रिय है। हर देवता के लिए अलग अलग वस्तु प्रिय है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और वो विषय भी अलग है कि किस देवता के लिए क्या उपचार विशेष प्रिय है। तो यूं समझिए, है ना, भगवान सूर्य को दो चीज़ बहुत प्रिय हैं, अर्घ्यदान और नमस्कार। नमस्कार प्रिय, नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार और अर्घ्य बहुत प्रिय है। तो अर्घ्य सबको देना चाहिए। तो अर्घ्य पात्र में जल ले करके, वो जल ताम्र पात्र में हो तो बहुत अच्छा है, उसमें लाल चंदन, रक्त पुष्प और जल, ये कम से कम तीन संभार तो हो ही। और अगर रक्त चंदन न मिले तो घिसा हुआ कोई भी ये चंदन चलेगा, और वो ले करके, और नहीं तो किसी पात्र में लेना है या हाथ में ही अर्घ्य लेना है। हाथ में जल, किसी लोटे से हाथ में जल ले करके और उसको अर्घ्य को देना है। सूर्य भगवान के सन्मुख प्रातः काल तीन अर्घ्य देना चाहिए, सायंकाल तीन देना चाहिए, और मध्यान्ह में देना चाहें तो एक दे सकते हैं। तो ये अर्घ्य प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सायंकाल सूर्य अस्त से पहले और मध्यान्ह में मध्यान्ह वेला में ये अर्घ्य दिया जाता है। एक कर्मांग अर्घ और होता है किसी कर्म के रूप में, और संध्या में जो संध्योपासना में अर्घ्य दिए जाते हैं वो गायत्री मंत्र से देने का विधान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको देते हैं, वो अलग है, और मध्यान्ह में विशेष रूप से और सूर्य को अर्घ्य देना ये अलग है। तो सूर्य को अर्घ्य दे करके और सूर्य की जो सूर्य नमस्कार जो है करते हैं, द्वादश नामों को लेकर के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सामान्य रूप से अर्घ्य तो सबको ही देना चाहिए, कम से कम दिन में सुबह शाम तो अर्घ्य देना ही चाहिए, शाम को स्नान करके। सभी शूद्र, अंत्यज इत्यादि भी आपने जैसे प्रश्न किया है तो सुबह शाम अर्घ्य आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मंत्र याद नहीं कर सकते तो उसमें पात्र में तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा है, उसमें गंधक, शतपुष्प, जल ले करके श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः ये बोल करके अर्घ्य दे देना चाहिए। वैसे अर्घ्य का मंत्र है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य को नमस्कार, सूर्य नमस्कार करने की प्रक्रिया है वो आपको देखनी रहेगी,
मुख्य रूप से साष्टांग लेट करके फिर खड़े होकर के प्रणाम करें और फिर लेट करके जो है नमस्कार करें। सूर्य को कम से कम 12 बार नमस्कार करना चाहिए। तो नमस्कार के अलग अलग मंत्र भी हैं। सूर्य नमस्कार पर एक हम जो है वीडियो बनाएंगे जिसमें सूर्य नमस्कार करते हुए और मंत्रों को बोलते हुए दर्शाएंगे, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। सामान्य रूप से इसमें एक जन सामान्य को सूर्य अर्घ कैसे दिया जाए उसकी बिल्कुल सामान्य विधि बतलाई जा रही है कि गंधाक्षत पुष्प जल ले करके और सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः कह करके 3 अर्घ सुबह दे दिए जाएँ और 3 शाम को, और मध्यान्ह में देना चाहें तो मध्यान्ह में कम से कम दिन में एक बार तो जरूर देना चाहिए। कई महिलाएं सूर्य को अर्घ नहीं देती हैं, वो कहती हैं भाई हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। ये तो बहुत लज्जा की बात है। सूर्य को अर्घ तो हर किसी को देना चाहिए, कहीं भी निषिद्ध नहीं है। एक बात, और हमने अभी कई ज्योतिषियों को देखा वृंदावन में, जब हम पढ़ने आए ही थे तो एक जो है ब्राह्मण बालक ही थे, वो कह रहे थे कि हम अर्घ नहीं देंगे सूर्य को, हमारे लिए मना किया है ज्योतिषियों ने कि सूर्य को अर्घ देंगे तो तुम्हारी कुंडली में वो ठीक नहीं होगा। ऐसे भड़काने वाले ज्योतिषियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो जो है सीधा नरक का रास्ता जो है कटवा रहे हैं। सूर्य को अर्घ देना, ग्रहों के रूप में सूर्य की पूजा अलग होती है, वो एक अलग बात है कि भाई किस कुंडली में कैसा जो है ग्रह बैठा है। तो ज्योतिष में सूर्य का प्रचंड तेज होने के कारण उनको उग्र देवता मान लिया गया है कि उग्र ग्रह है। ये ऐसा नहीं है, वो एक अलग बात है। ज्योतिष का फल जो हो वो वहाँ चर्चा अलग करेंगे। सूर्य जो है परब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो 3 है, भगवती गायत्री और जो है ये सब भगवान सूर्य के ही रूप हैं। भगवान सूर्य ही जो है ब्रह्मा के रूप में, भगवान सूर्य ही विष्णु के रूप में, और भगवान सूर्य ही जो है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हैं, और भगवती गायत्री जो सविता हैं, जो गायत्री देवी के जो जो है अधिष्ठाती देवता हैं, वो सविता भगवान सूर्य का ही नाम है। इस रूप में भगवान स्वयं सूर्य ही हैं, तो इसलिए गणपति के रूप में भी भगवान सूर्य हैं, भगवती दुर्गा के रूप में भी भगवान सूर्य हैं। इन पांचों में कोई अंतर नहीं है और ये पांचों ही भगवान सूर्य के ही जो स्वरूप हैं। इसलिए भगवान सूर्य को आरोग्य और अपनी जो जीवन की स्थिति बनाने के लिए, आदित्य तो जीवन है जो, और तो और यहाँ तक पर्वत नदी वृक्ष कंकड़ इत्यादि ये जो स्थावर हैं हमारे, इनको भी पर्वतों को भी जीव माना गया है। पर्वतों पर्वत भी एक योनि होती है ये माना गया है। तो इन पर्वतों की नदियों की वृक्षों की भी आत्मा भगवान सूर्य है, जंगमों की नहीं स्थावरों की भी आत्मा भगवान सूर्य है। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुखश्च, है ना, जो जगत है और जो जो स्थावर है, जो जंगम है और स्थावर है, इन दोनों की ही आत्मा भगवान सूर्य है। तो अपनी आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप जो है समस्त सृष्टि के आधार स्वरूप, गति संचारक स्वरूप प्रचंड मार्तंड को सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए और अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार नमस्कार अवश्य करना चाहिए। ये जीव मात्र का परम कर्तव्य है। हर हर महादेव।